कानपुर के बेकनगंज थाना क्षेत्र में बनियान बनाने की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। घनी आबादी के बीच इस फैक्ट्री में लगी आग के बाद हड़कंप मच गया। आग इतनी तेजी से फैली कि फैक्ट्री के आसपास की बिल्डिंग में भी आग पहुंच गई। मौके पर दमकल की 10 से ज्यादा गाड़ियों ने आग बुझाने का काम शुरू किया। तकरीबन आधा किलोमीटर का रास्ता भी बंद करना पड़ा। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। कानपुर में एक 4 मंजिला इमारत में आग लगने की घटना सामने आई है। बिल्डिंग के बेसमेंट में रेडीमेड कपड़ों की दुकान चप्पल कारखाना संचालित होता है। पुलिस के मुताबिक कारखाने में शॉर्ट सर्किट से आग फैली। आग के बाद धुएं का गुबार उठा और बिल्डिंग में लोगों को नीचे आने तक का मौका नहीं मिला। आग लगने से करीब आधा दर्जन गाड़ियां भी जलकर खाक हो गई। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने राहत कार्य शुरू करते हुए सबसे पहले लोगों को बाहर निकालना शुरू किया। करीब 42 लोगों का रेस्क्यू किया गया। आग लगने वाली जगह से एक फ्लैट से पर्शियन बिल्ली को भी फायर कर्मियों ने रेस्क्यू कर बचाया। इस बिल्ली की कीमत लाखों रुपए में होती है। गनीमत ये रही कि वक्त रहते आग पर काबू पा लिया गया। पम चौराहे से थोड़ी दूरी पर एक 4 मंजिला भवन है, इसमें आग लगी थी। आग के कारणों को अभी समझना बाकी है। यहाँ पे कुछ लोग फंसे हुए थे। हमारे पुलिस के लोगों ने, फायर सर्विस के लोगों ने उनको वहाँ से एवेक्यूएट किया। 4 लोग, एक पूरा परिवार फंसा हुआ था। अभी फ़िलहाल वहाँ पे कोई नहीं है। पूरी तरह से सभी लोगों को रेस्क्यू करके सुरक्षित बाहर निकाल दिया गया है। आग पर भी नियंत्रण लगभग पा लिया गया है। करेली पुलिस ने सब्जी कारोबारी के घर हुई चोरी का खुलासा कर दिया है। चोर नकदी और गहने समेत करीब 15 लाख रुपए लेकर रफूचक्कर हो गए थे। इस मामले की जांच पुलिस के साथ SOG भी कर रही थी। पुलिस ने 2 चोरों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से नकद रुपए और अन्य कीमती सामान बरामद किए गए हैं। पुलिस के चंगुल में आए करेली के शमीम और मोहम्मद हसनैन कोई मामूली लड़के नहीं है, बल्कि ऐसे चोर हैं जो फिल्मी स्टाइल में घर में चोरी किया करते थे। करेली के एक घर में शादी की तैयारियों की। इन चोरों ने बारीकी से पहले रेकी की, फिर जब घर के लोग किसी दूसरे शहर में निजी काम से गए तो इन लोगों ने उस घर से 13 लाख रुपए की रकम पर हाथ साफ कर दिया और फरार हो गए। पूछताछ में इन दोनों ने चोरी की बात कबूल कर ली है। पुलिस ने कहा कि चोरी की वारदात में सिर्फ ये दोनों ही शामिल नहीं थे, बल्कि इसमें एक चोर फरार है जिसकी तलाश की जा रही है। वादी मोहम्मद शहबाज, जो कि करामत की चौकी के रहने वाले हैं, इनके घर पे चोरी हुई थी। इनकी बहन की शादी थी तो उन्होंने कुछ 13 लाख रुपए जमा कर रखे थे, जिनके बारे में जो चोर हैं, अभियुक्त हैं, उनको पहले से अंदेशा था। और 2 अभियुक्त कल SOG की टीम और थाना करेली की टीम ने मिलकर गिरफ्तार किए हैं। एक का नाम हसनैन है और दूसरे का नाम शमीम है। हसनैन जो है वो छोटी फुटवेयर की दुकान चलाता था और जो शमीम है वो ई रिक्शा चलाता था। परंतु अधिक आय ना होने के वजह से ये लोग खाली घरों में, जिनमें ताला रहता था कई दिनों से या जो काफ़ी दिनों से बंद हैं, उनमें चले जाते थे। उनको ताला तोड़ के घुसपैठ करके अंदर चोरी करने का प्रयास करते थे। अयोध्या में भव्य राम मंदिर के उद्घाटन की तैयारियों को लेकर देश भर में उत्सव का माहौल है। प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर हर राम भक्त अपनी ओर से कुछ न कुछ अर्पित कर रहा है। जेल में बंद कैदी भी राम मंदिर उत्सव को भव्य बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। इस कड़ी में फतेहपुर जिला कारागार में बंद कैदी भी आपसी सहयोग से मेहनत कर अयोध्या में प्रसाद के लिए रामनामी कपड़े के थैले तैयार कर रहे हैं। इसके लिए जेल में कैदी सिलाई मशीन पर तेजी से काम कर थैले बना रहे हैं, जो तैयार होने के बाद अयोध्या भेजे जाएंगे। जेल अधीक्षक मोहम्मद अकरम खान ने बताया, अयोध्या में 22 जनवरी को आयोजित होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर हमारे जेल के बंदियों में भी काफी उत्साह है। इस गौरवशाली और ऐतिहासिक उत्सव पर हमारे बंदी भी अपना योगदान देना चाहते हैं। साथ ही कहा कि 22 जनवरी को भी भजन कीर्तन और सुंदरकांड का पाठ करेंगे और जेल के अंदर उत्सव मनाया जाएगा। 22 जनवरी को आयोजित होने वाले राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर हमारी जेल के बंदियों में भी काफ़ी उत्साह है। कुछ बंदी जेल के मेरे पास आए और उन्होंने ये कहा कि इस गौरवशाली और ऐतिहासिक अवसर पर हम भी अपना कुछ योगदान देना चाहते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि आप क्या करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हम प्रसाद के लिए भगवा कलर का राम नामी थैला बनाना चाहते हैं। अब उन कैदियों में हिंदू मुस्लिम सभी लोग शामिल थे
वो भगवा थैला राम मंदिर के लिए तैयार कर रहे हैं प्रसाद के लिए, और उसमें हिंदू मुस्लिम दोनों ही कैदी लगे हैं, महिला कैदी भी उसमें लगी हैं। बंदियों में इस अवसर को लेकर गजब का जोश और उत्साह देखा जा रहा है। अयोध्या में भगवान प्रभु श्री राम के गर्भगृह में विराजमान होने में कुछ ही दिन शेष हैं। पूरे देश भर से श्री राम के भक्त अलग अलग चीज अर्पित करने के लिए अयोध्या भेज रहे हैं। आगरा से माँ जानकी की पायल, 56 प्रकार का पेठा और सबसे खास विश्व में पहली बार मिठाई से बनाया गया गदा रामलला को अर्पित किया जाएगा। इस गदा को काजू बादाम पिस्ता केसर और मिठाइयों से बनाया गया है, जिसका वजन 10 किलोग्राम है। इस गदा को अयोध्या धाम पहुंचाया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि पूरे विश्व का ये पहला मिठाई वाला गदा है।